हुए हैं, इसीलिए ये पागलपन है। लेकिन सर एक तरफ जहां पूरे देश में राममय माहौल है, जगमग हो रहा है, वहां कुछ तस्वीरें आपने साझा की है इंडियन रेलवे की, कि प्राण प्रतिष्ठा के उल्लास में ये एकदम से मातमी स्थिति रेलवे राजधानी लखनऊ में। हाँ मनीष जी, अभी दिखाई है अगर इस फोटो को, जरा दर्शकों से बता दो कि इस मामले को गंभीरता से लीजिए, कम से कम इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को जरूर टैग करिए, मैं भी करूंगा उनको, कि लखनऊ में रेलवे के कुछ अफसर इस यहाँ पे एक पाकिस्तान तैयार कर रहे हैं। मनीष जी जरा पहली फोटो दिखाइए, फिर बताता हूँ कहानी, दर्शकों की समझ में आएगी ये जो। हाँ ये जरा, ये मनीष जी लखनऊ रेलवे स्टेशन पर रेलवे लाइन के बीचों बीच बनी एक मजार है और देखिए कैसा जगमगा रही है रात में। पूरा खोल दीजिए मनीष जी, इसके मतलब पूरी फोटो है इसमें, ये देख लीजिए, ये रात की फोटो है और ये रात में, जरा थोड़ा ऊपर करिए तो मनीष जी दर्शक देख ले कि इसमें बल्ब नहीं लगे हैं, इसमें हजारों वाट के हेलोजन लगे हैं जिससे रात में ये जगमगा जाती है मनीष जी, और ये रेलवे की बिजली जल रही है दर्शक ये समझ ले, और ये बरसों से दशकों से ये सिलसिला चल रहा है। अब जरा मनीष जी दूसरी फोटो दिखाइए, ये मजार जल रही है इसको, यहाँ देखिए उसमें मनीष जी नीचे फोटो थी, एक मिनट ये यहाँ नीचे वाली दिखाइए जरा, ये उसी मजार की फोटो है, वो क्लोजअप है, जरा ये देखिए पूरा इसमें आपको दिख रहा होगा झमाझम बिल्कुल जैसे महल इस तरह से, और रेलवे लाइनों के बीचों बीच ये लखनऊ रेलवे स्टेशन पर ये मजार बनी है। कहानी जरा अभी बताऊंगा, अभी तो केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इस मजार को देख लीजिए, और ये रेलवे की बिजली जल रही है मनीष जी ये। अब जरा दूसरी फोटो मनीष जी, ये जरा ऊपर जो फोटो है, ये अंधेरे में डूबे हुए दो मंदिर हैं मनीष जी, रेलवे की रेलवे कॉलोनियों में बने, वो तो रेलवे लाइन में मजार बनी है, और ये ऊपर वाला जो एक एक मनीष जी थोड़ा बड़ा कर दीजिए तो समझ में आएगा, ऐसे तो दर्शक समझ ही नहीं पाएंगे इसको। ये मनीष जी दुर्गा जी की मंदिर है, और दर्शकों से बता दो इस फोटो में पुजारी बैठे हुए हैं जो आपको दिख नहीं रहे, अंधेरे में डूबा है दुर्गा जी का मंदिर, ये रेस्ट कैंप कॉलोनी लखनऊ का मंदिर है। और जरा नीचे आइए मनीष जी, इसी के नीचे वाली फोटो, ये दर्शकों को नजर आ जाएगा कि ये नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से वहां सेवाग्राम कॉलोनी है, एक समय मॉडल कॉलोनी होती थी, ये वहां पे एक छोटा सा शिव मंदिर है मनीष जी, ये अंधेरे में डूबा हुआ है, पुजारी जी ने दिया जला दिया तो आपको फोटो दूर से शिवलिंग का नजर आ रहा होगा। अब बताता हूं कि रेलवे के अफसरों ने, लखनऊ में रेलवे के अफसरों ने किस तरह से मिनी पाकिस्तान तैयार किया है, जरा अब हटा दीजिए मनीष जी इस फोटो को, ये दर्शक समझ गए होंगे, कहानी बताता हूं मनीष जी, ये मंदिरों की बिजली आकर काट दी एक यहाँ पे कि मंदिर की रेलवे का काम मंदिरों को बिजली देना नहीं है, और ये बता दू ये 50-50, 60-60 साल पुराने मंदिर है, ये कोई नए बने मंदिर नहीं है, लेकिन ये बिजली काट दी गई, और जब उससे पूछा गया ये बताओ ये मजार में जो है पिछले 50 साल से बिजली कैसे चल रही, जिसमें बड़े बड़े है ये दोनों मंदिर मनीष जी, दर्शकों को बता दूं कॉलोनी के मंदिर है, कॉलोनी कभी बने होंगे तो एक बल्ब या एक पंखा, इसके अलावा यहाँ कोई सजावट नहीं होती। अभी ये प्रकरण इसलिए ध्यान में आया मनीष जी क्योंकि वो उन कॉलोनी वालों का कि जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो हम भी मंदिर सजाएंगे, तो वो पिछले कई दिनों से दौड़ रहे थे कि जब जो उपाय बताओ भैया इसका कनेक्शन दे सकते हो तो कनेक्शन दे दो, पैसे लेने हो जो पैसे बता दो हम वो भर दें, लेकिन कम से कम जिस दिन अयोध्या का मंदिर पूरी देश में सज रहे हम भी सजाएंगे। तो मालूम है मनीष जी मैं नाम बताता हूँ उस आदमी का जो रेलवे में इसका जो है मीटर विभाग का इंचार्ज, उसका नाम है सत्यजीत, और ये ताकि ये पहुंचे रेल मंत्री तक, और इसका जो डीई है डिविजनल इंजीनियर उसका नाम है आर के मौर्या। अभी कहानी बताता हूँ किस तरह से इस पाकिस्तान बना रहे हैं ये अफसर इसको। तो मनीष जी उन्होंने कहा कि योगी से जाके लगवा लो, योगी अयोध्या सजवा रहा तो योगी यहाँ का भी ठेका ले ले, ठेका रेलवे थोड़ी लेगी, ये जवाब था उस सत्यजीत नाम के मीटर इंचार्ज का जो रेलवे की नौकरी कर रहा, रेलवे की नौकरी तोड़ रहा है। और जब बात डी तक पहुंची डिविजनल इंजीनियर तक, तो वो कह रहा कि मोदी के बाप का है ये बिजली, वो उसका जवाब ये था मनीष जी कि ये मोदी के बाप की बिजली नहीं है, रेल की बिजली है, ये गैर कानूनी ढंग से मंदिर को नहीं दी जा सकती। और जब उससे कहा गया तो मजार को क्यों दे रहे हो, 50 साल से तुम बिजली दे रहे हो जहां बड़े बड़े हेलोजन जलते हैं, तो उस आर के मौर्या का जो बताते हैं कि मैं जानता नहीं लेकिन बताते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्या का बड़ा वो करीबी रहा है बसपा के समय से, तो वो कहता क्या कहता जाओ मजार को तो बिजली देंगे, जो उखाड़ना हो उखाड़ लो, ये करके उसने खदेड़ दिया।
और आज जब पूरे देश के पूरे राजधानी लखनऊ के मंदिर सजे हुए हैं सजावट में, ये दो मंदिर जहां के कॉलोनी वाले गए थे कि आज हम भी सजाना चाहते हैं, वो आज अंधेरे में डूबे हुए हैं। तो ये आरके मौर्य जो स्वामी प्रसाद मौर्य का चमचा है बसपा काल से, और ये वो राजनीति करता है, और ये आज यो और दूसरा वो सत्यजीत वो उसी के गैंग का है, वो कह रहा है कि योगी जाके योगी से लगवा लो, उसने बड़ी अयोध्या ठेका लिया है तो इस मंदिर का ठेका भी उस योगी को दे दो। और जो ऊपर बैठा है वो कह रहा है मोदी के बाप का है कि ये बिजली है, ये रेल की बिजली नहीं देंगे और मजार को बिजली देंगे, जो उखाड़ना हो उखाड़ लो। ये है रेलवे हुए तो अश्विनी वैष्णव, और कम से कम प्रधानमंत्री मोदी तक ये बात पहुंचे कि क्या ये, मैं नहीं कहता मैं इस मंदिर को बिजली कतई ना दी जाए, इस मंदिर का कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन मनीष जी मैं जरा रेल मंत्री से भी पूछना चाहता हूं, और वो जो बता रहा है कि मोदी के बाप का नहीं है ये मंदिर, ये मोदी के बाप की बिजली नहीं है, उस आर के मौर्य से और उस सत्यजीत नाम के गुंडे से जिसने मंदिर की बिजली काटी, वो जरा ये बताए कि जब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि रेलवे जमीन पे और रेलवे लाइन में कोई मजार या मंदिर नहीं हो सकता, तो इसने कनेक्शन किस उससे दे रखा है? ये आर के मौर्य और सत्यजीत कितना पैसा उस मजार से लेते हैं, उस मुसलमान मजार से पाकिस्तान? तो मनीष जी की मजार में बिजली दी जाएगी, मंदिर में बिजली नहीं दी जाएगी, तो रेलवे के अफसरों ने पाकिस्तान बना रखा है लखनऊ के अंदर, एक नया पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान, और ये वही वो पाकिस्तान बना था वो भी इसी तरह की मानसिकता के लोगों से बना था, और ये दूसरा पाकिस्तान तैयार कर रहे हैं कि भगवान शंकर के मंदिर में बिजली नहीं होगी, दुर्गा माता के मंदिर में बिजली नहीं होगी, लेकिन कबर की जिले जो मजार बनी है बिल्कुल रेलवे लाइन के बीच में बनी है, ये तो कॉलोनियों के मंदिर है, उस रेलवे लाइन उस कबर की मजार को बिजली दी जाएगी।